एक बहुत मामूली लड़की हूँ, आपकी इस एंजॉयमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। उसने जो किया उसको उसी की सजा मिली। मुझे इनकार किया था ना, देखा कैसी सजा मिली उसे। तकब्बुर 31 दिसंबर से इतवार शब 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो नम्रा? कामल, आपकी कॉल। मेरा मतलब है इस वक्त आप सोए नहीं? अरे अब तो हमें सिर्फ तभी नींद आएगी जब हमारी बेगम हमारे साथ होगी। तो मुझे बताए ना कब आ रही है वापस और कितना इंतजार करवाएंगी मुझे। नम्रा, अरे निम्रा कहाँ गायब हो गई? मेरी बात का जवाब तो दो, कब आ रही हो? हेलो, पता नहीं। मेरा मतलब है अब जब दादो बुलाएंगी तब आऊंगी। अच्छा, अगर दादी बुलाएंगी तो आप आ जाएंगी। इसका मतलब ये कि दादी की बात को आप अहमियत देती हैं और मेरे बुलाने को बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि दादो ही ने भेजा है ना। अच्छा तो फिर क्या काम हो गया? कौन सा काम? अरे जिसके लिए आप कराची गई हो। अच्छा मुझे बताओ जायदाद कितनी है? क्या मतलब? अब क्यों आप किसी काम के लिए नहीं गई कराची? जी आप तो बताओ क्या बना? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तो फिर इतने दिनों से आप वहां पे क्या कर रही हो? अच्छा एक काम करो, आप मुझे ना अपना एड्रेस बताओ, मैं खुद ही आ जाता हूँ वहाँ पे। वैसे भी ये प्रॉपर्टी के मामलात जो है ना वो खवातीन से बहुत अच्छी तरह से देखे नहीं जाते, और वैसे भी आगे जाके तो सारी चीजें मुझे ही देखनी है ना। कमरे में और लोग सो रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। किसे बात कर रही थी फोन पर? जी मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछा है या जवाब नहीं देना चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है, वो दादो, मैं अपनी दादो से बात कर रही थी। निम्रा कह रही है कि वो अपनी दादी से बात कर रही थी, लेकिन मुझे यकीन है ऐसा नहीं है। उसका अंदाज बता रहा था दूसरी तरफ कोई भी हो अगर दादी नहीं हो सकती तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या उसकी जिंदगी में कोई है? आखिर कौन है वो? पूछूं तो किससे पूछूं? लड़की खुद तो कुछ नहीं बताएगी।
अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है वो वाकई अपनी दादी से ही बात कर रही हो। हाँ, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए उसके बारे में, उल्टा सीधा अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कामिल क्या पूछना चाह रहे थे मुझसे? जरूर दादी ने उन्हें कोई नई कहानी सुनाई है। दादी आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? वो मुझे कामिल से दूर क्यों रखना चाह रही हैं? और जो कहानी कामिल से डालती हैं, कम से कम वो मुझे भी तो बता दिया करें। निम्रा, तुम अब तक जाग रही हो? आधी रात हो रही है, सो जाओ। अभी सो रही हूँ, आप परेशान ना हो, सो जाओ। सो जाओ जल्दी। सुबह ही दादी को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि कामिल को क्या स्टोरी बताई है। मैं तो ऐसी उलझन में बात भी नहीं कर सकी, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और मिस्टर हारून, वो कैसे शक भरी नज़रों से देख रहे थे। तौबा है भाई। हारून भाई कब आएंगे? मैं स्कूल से लेट हो रहा हूँ। क्यों, क्या हारून नवाला बनाकर तुम्हारे मुंह में डालेंगे? नाश्ता शुरू करो। तुम तो जानते हो हारून जब नाश्ते का आगाज करते हैं फिर ही हम सब शुरू करते हैं। क्यों, क्या हारून अपने आप को बादशाह हारून रशीद समझते हैं? आप क्या कहती है नानी जान, हम उनका नाम बदल दें, शायद सोच में तब्दीली भी आ जाए। देखें, बादशाह सलामत आ गए। अरे आप जहमत ना करें, मैं आपके लिए चाय डाल देती हूँ। हारून, आज नौरीन को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छे शरीफ लोग हैं, अपना जाती छोटा सा कारोबार है उनका, अंदरूने शहर में बड़े से घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। लगता है कि आपको उन लोगों के आने से खुशी नहीं हो रही। मैं खुश हूं, बल्कि बहुत खुश हूं। दादी, उनकी तवाज़ो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी मीटिंग है इसलिए मैं खुद घर पे नहीं हूंगा, लेकिन आप सब उनका अच्छे से इस्तकबाल कीजिएगा, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। जीते रहो बेटा।
मेरी जान कैसे हो तुम? यकीन करें जब से आपसे मिला हूं जी उठा हूं। मेरी जान, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छी तरह समझ सकती हूं। तुमने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, लेकिन खुशी है मुझे उस सिचुएशन में भी तुमने खुद को संभाला। आज इतने बड़े बिजनेसमैन के तौर पर पहचाने जाते हैं, सच पूछो। फखर है मुझे तुम पे। शुक्रिया। अरे बेटा, मुझे इतला दी होती मैं साशा को जाने ना देती, वो अभी अपनी दोस्त के साथ गई है। रुको, मैं उसे कॉल कर। नहीं नहीं, आप रहने दें, बस आप मेरे सामने बैठी रहें। साशा दोस्तों के साथ गई, उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, वो फिर चली जाएगी, और उसके लिए ये बड़ी बात है कि तुम उससे मिलने आए हो। लेकिन मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, आप मेरी माँ की बहन है, दोस्त भी है, आप में अपनी माँ की झलक नजर आती है मुझे। आप मुझे बताएं ना, मेरी माँ कैसी है, वो कहाँ है, क्या वो मुझसे मिलने आ सकती है, या उनका एड्रेस मुझे देते हैं, मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। अच्छा ये बताएं, वो मेरे बारे में बातें करती हैं? मैं बात कर लूंगा। नहीं नहीं, बाद में क्यों बेटा, जरूरी कॉल हो सकती है, सुनो। नहीं मैं बाद में सुनूंगी बेटा, सुन। मां पारा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, वहां सब इंतजार कर रहे हैं। पर उफ अल्लाह, ये तुम्हारा बच्चा पापा कितना रो रहा है, निकालो इसे कमरे से बाहर। यूं लग रहा है जैसे लाउड स्पीकर इसके गले में फिट किया हो। यार मैं क्या करूं, इसको ऐसा करो उठाओ और दादी के पास छोड़ाओ, उन्हीं के पास चुप होता है। मां पारा, हारून कब से रो रहा है, आप हैं कि आपको बनने सबरने से फुर्सत नहीं है, औलाद है आपकी, आप कुछ तो ख्याल कीजिए। और ये इस वक्त इतना बन सबर के आप कहां जा रही हैं? मेरे साथ जा रही। जी जानता हूं, समझ गया था, लेकिन महापारा मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना बन सबर के इस वक्त आप कहां जा रही हैं? कैदी बना के रखा हुआ तुमने मुझे इस घर में, अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती हूं मैं। तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, यहीं रहूंगी मैं। जी बेहतर है कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं, शादीशुदा हैं ये, आइंदन से मिलने मत आइएगा, ये आपकी तरह शत्र बेमहार दिन रात इधर उधर नहीं फिर सकती, कुछ जिम्मेदारियां हैं इनकी। तुम होते कौन हो मेरी दोस्त को यहां आने से रोकने वाले? तुम चाहते हो कि इस कैदे तन्हाई में तुम मुझे मार दो बस? मापारा देखें, समझने की कोशिश की। क्या समझूं मैं, क्या समझूं? क्या चाहते हो तुम कि मैं इस खंडर नुमा घर में तुम्हारी मुलाजमा बन के रहूं, तुम्हारे बच्चे पालती रहूं, तुम्हारी माँ की खिदमत करती रहूं, और फिर महीने के आखिर में तुम जो चंद हजार मेरे हाथ पे रखते हो उसमें गुजारा करूं, दैट्स इट? मापारा आप मेरी बात तो सुने। मैं अपनी ख्वाहिशात का गला और नहीं घोंट सकती हूँ, मुझे अब एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। कैसा शोर है ये? माँ पारा क्या कर रही हो, पहले ही बहुत टाइम जाया हो गया, चलो हम लेट हो गए। माँ पारा आप मेरी बात सुन के जाएंगी? तुम्हारे पास अब मुझसे कहने को या मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, रात को लेट आऊंगी। माँ पारा, माँ पारा, पर
नौरीन देखो ज्यादा ओवर तो नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा लिपस्टिक? निम्रा ये बहुत डार्क शेड है। खामोश रहो, मुझे अपना काम करने दो। वहाँ तो सब घुल मिल के इतनी बातें कर रहे हैं। क्या बात हो रही है वहाँ पे? वो जी पता नहीं, मेरे तो खुशी के मारे कान ही बंद हो गए। तीनों नीचे जाओ, जाकर उनको सर्व करो। थोड़ा सा और लगा रही, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। साबरा ने कई दिन पहले आप लोगों का जिक्र किया था, बड़ा इश्तियाक था मिलने का आप लोगों से। हमें भी बड़ा ही तजस्सुस था आप लोगों से मिलने का। जब से साबरा ने आपकी फैमिली के बारे में बताया, आप लोगों का रहन सहन, रख रखाव, बच्चियों का बा पर्दा बा अदब होना, मैंने तो कहा इजहार का रिश्ता होगा तो बस इसी घर में होगा। बहुत शुक्रिया। आला, इनका लड़का बहुत ही अच्छा है, बस यूँ समझ लें कि अल्लाह पाक ने हमारी नौरीन के लिए जोड़ भेज दिया है। आपको पता है इजहार अहमद इंतहाई शरीफ, समझदार और बहुत ही बादब इंसान है। और अब क्या क्या खूबियां गिनवाऊं आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इजहार भाई की बहन हूँ, ये हमारी चची हैं, ये हमारी फूफी हैं, और अम्मी तो रही नहीं है बट इन्होंने ही हमें पाला। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। इजहार हमें बहुत मान देता है और माशाल्लाह से हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है और बहुत इत्तफाक है हम सब में। बहुत अच्छी बात है ये। अल्लाह ताला इस इत्तफाक को हमेशा बरकरार रखे। आमीन आमीन आमीन। अम्मा जान साहबजादी को तो बुलवाइए। असरा नौरीन को लेकर आओ, फैलाते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ वाकई आप बहुत प्यारी लग रही हैं। लड़कियों ये क्या बातचीत हो रही है? अरे आंटी हमारी बातें छोड़े, देखिए नौरीन कितनी खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं ठीक लग रही हूँ अम्मी? बहुत प्यारी लग रही है। बुला रहे हैं तो मैं वो लोग मीजिए। चलो बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी देर में तुम दोनों भी सलाम कर लेना। जी अम्मी। हम भी बस थोड़ी देर में चलते हैं। कितनी प्यारी लग रही थी ना। बेटा तुम तो लो कुछ लिया ही नहीं। सलाम करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, ये मेरी बेटी नौरीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये तो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है, क्यों? बिल्कुल अम्मा जान हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझें। भाई अगर घर के सरबराह से भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा था। आपके पोते कब तक आ जाते हैं घर? वो दरअसल आजकल शहर से बाहर गया हुआ है, अगर यहाँ पर होता तो जरूर मुलाकात करता आप लोगों से। चले कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बेटी फरहीन है और ये मेरी रिश्ते की भतीजी निम्रा। माशाल्लाह भाई आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुबारक हो भाई, हमें तो नौरीन बहुत पसंद आई है। अब तो हमारे घर की बहू नौरीन ही बनेगी, क्यों? बिल्कुल। अम्मा जान अब आप ये बताइए कि आप कब घर तशरीफ ला रही हैं इजहार अहमद को देखने के लिए? भाई साबरा ने इजहार मियाँ की इतनी तारीफ की है कि हम लोग तो मुतमईन हैं, इंशाल्लाह किसी दिन चक्कर भी लगाएंगे। इंशाल्लाह, हमें इंतजार रहेगा आपका। जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप मेरी माँ के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ अरुण मेरी जान, तुमने आज क्या क्या याद दिला दिया। मैं माजी में उतर गई थी। पता है हम सब दोस्तों में, कजन में,
सबसे ज्यादा खूबसूरत मां पारा हुआ करती थी। इतनी हसीन कि जो भी देखता था दीवाना हो जाता था। लेकिन बेचारे की किस्मत तुम्हारे वालद जैसे मिडिल क्लास आम से बंदे से शादी हो गई। गिन गिन कर लफ्जों को बोलने वाला असूल परस्त इंसान समझो। ऐसे जैसे कोई हसीन शहजादी दियो की कैद में आ जाती है। आपका मतलब है उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था? नहीं, मेरे बाप से मोहब्बत नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तुम्हारे बाप से मां पारा ने लव मैरिज की थी और इनाम रुबानी भाई के लिए तो मां पारा ने सब कुछ ठुकरा दिया था। उन्हें मुझसे कितनी मोहब्बत थी? मां की मोहब्बत को किसी पैमाने से नहीं नापा जा सकता। लेकिन अफसोस तो इस बात का, ये मोहब्बत तुमसे बहुत जल्द जुदा कर दी गई थी। अरे, किसी को ख्याल तक नहीं आया कि मां अपनी औलाद की जुदाई कैसे सह पाएगी। किसी को तुम्हारा ख्याल नहीं आया। किसी ने नहीं सोचा कि इस बच्चे की शख्सियत मां से दूरी की वजह से अधूरी रह जाएगी। हारून, मेरे बच्चे, ये दुनिया बहुत जालिम है। हाँ। अरे साशा, आओ बेटा। हारून, ये है मेरी मासूम सी बच्ची साशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वही हारून है ना जिनका जिक्र आप मुझसे सुबह शाम करती रहती हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। अब ये बताओ कि मेरा बेटा कैसा लगा तुम्हें? जो भी आप इनके बारे में कहती हैं ना, बिल्कुल ठीक कहती हैं। हारून, मेरी बच्ची बहुत कमगो है, लेकिन इतना जानती हूँ इसकी कंपनी में कोई बोर नहीं होता। बोलती कम है लेकिन अच्छा बोलती है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। मुझे कॉफी नहीं पीनी, मुझे आपसे बात करनी है। अरे, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ और अभी तो लेकर आ जाऊंगी। तब तक तुम दोनों बातें करो, आखिर तुम दोनों कजन हो। ठीक है साशा। नौरीन का रिश्ता पक्का ही हो गया है। वो बहुत अच्छे लोग हैं। नौरीन बहुत खुश रहेगी। हाँ हाँ, अमीना ने कॉल करके बताया था मुझे। बहुत खुशी हुई है नौरीन का सुनकर। अल्लाह मियां उसको हमेशा खुश रखे बेटा। जी, अब आते हैं असल बात की तरफ, जिसकी वजह से मैंने आपको कॉल किया है। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है। आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे ससुराल वालों को कौन कौन सी कहानियां बताई हैं? इस बात का क्या मतलब हुआ? खुलकर बात करो। आपने उन्हें ये कहा है कि मैं जायदाद के मसले हल करने के लिए कराची आई हूँ? तुमसे किसने कहा ये? कौन कह सकता है, वही ना जिससे आपने ऐसी बात की है। तो इसका मतलब ये हुआ कामिल तुम्हें कॉल करता है और तुम उससे बात करती हो? कभी कभी। जब मैंने तुम्हें मना किया है बेटा, तो फिर उसके बाद इस कभी कभी की नौबत भी नहीं आनी चाहिए।
दादो, अब मैं साफ साफ इनकार तो नहीं कर सकती। हाँ, मैं उसे ये जरूर समझा सकती हूँ कि हमारे घर में ये अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन दादो वो गुस्सा करने लगते हैं। ऐसी तैसी उसके गुस्से की? अभी लड़की हमारे घर बैठी है, अभी वो कैसे गुस्सा दिखा सकता है इतना? आने तो दोस्त की माँ को, जरा शिकायत करूंगी उससे। अच्छा जो भी है, आपने जो कहानियां मेरे ससुराल वालों को बताई हैं, मुझे भी तो सुनाएं। अरे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे इतनी लंबी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। दादो, आपने ये क्यों कहा कि मैं जायदाद के सिलसिले में आई हूँ कराची? अरे मेरी निम्रा, मेरे बच्चे, ऐसे रिश्तों में छान पटक की बहुत जरूरत होती है। आजमा रही हूँ मैं कामिल को, कहीं वो तुमसे तुम्हारी जायदाद के लालच में तो शादी नहीं कर रहा। और अगर ऐसी बात हुई ना बेटा, फिर तुम्हारी रुखसती के बारे में मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? दादो सच कहूँ तो नहीं, अब तो मेरा निकाह हो गया है और अब आपको ये सब ख्याल आ रहा है। तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ मैं बेटा, जो भी सोच रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही सोच रही हूँ, और इसीलिए चाहती हूँ कि तुम अभी उससे ज्यादा बात ना करो, फासला बरकरार रखो। और हाँ, अगर वो तुमसे जायदाद के बारे में पूछे तो कह देना कि मुश्तरका जायदाद है। और बेटा जो भी बात हो ना वो मुझे जरूर बताना, समझी हो तुम? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद दादी मेरे बारे में ज्यादा वहमी हो रही हैं। आपकी आंखों में चमक चेहरे का इत्मीनान बता रहा है आप बहुत खुश हो। हाँ, बरसों के बाद मैं खुद को बाएतमाद महसूस कर रही हूँ, वरना मैं तो खुद से, अपने नसीब से मायूस हो चुकी थी। हर सिया रात के बाद एक चमकदार सुबह दुरू हुआ करती है। तुम ठीक कह रही हो, मैं शुक्राने के नफिल अदा कर लूं। मेरे मुकद्दर में यह सिया रात पता नहीं कितनी तवील है, दादी की बातों ने मुझे बेचैन कर दिया है। अरे आंटी, आप अभी तक जाग रही हो, यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई है? नहीं, वो हारून नहीं आया अभी तक, उसका इंतजार कर रही थी, बस देर कर दिया आज उसने। तो आप उन्हें कॉल कर ले, खामखा फिक्रमंद क्यों हो रही है? शायद वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो। मैंने की थी दो दफा कॉल, लेकिन उसने कॉल अटेंड ही नहीं की, बिजी होगा शायद। आप तो अपने भतीजे को जानती हैं, ना वो आपकी ना नानी जान की फिक्र करते हैं, जहाँ भी होंगे वो खैरियत से ही होंगे, वो बच्चे थोड़ी है। ये भी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर से घर ले आए उसे। आंटी आप जाकर रेस्ट कर लें। नहीं, जब तक हारून को खाना नहीं दे दूंगी ना, तब तक सुकून नहीं आएगा, मुझे सो नहीं सकती सुकून से। मैं जाग रही हूँ, अगर उनको खाना चाहिए होगा मैं दे दूंगी, उम्मीद है कि वो खा कर ही आए हैं। वाकई दे दोगी? फिर तो मैं जाके आराम करूंगी, आज मैं वाकई बहुत थक गई।
सुनिए, आपको खाना खाना है या नहीं? तुम अभी तक इसलिए जाग रही हो? मुझे जागने की जरूरत क्यों होगी? वो आपकी फुप्पो फिक्रमंद बैठी हुई थी, आपका वेट कर रही थी कि आपको खाना देंगी। मैंने कहा कि आप जाकर आराम कर ले, मैं जाग रही हूँ, तो जल्दी बताएं अगर आपको खाना खाना है या नहीं। इस घर में रहने वालों को मेरी कितनी फिक्र है, अच्छी तरह जानता। यानी आपका मतलब है कि आपकी दादी और फुप्पो सिर्फ दिखावे का प्यार जताती हैं? मेरा यही मतलब है। उफ, कितनी गलत सोच है, प्लीज बदल ले। मुझे मशवरे की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपका जाती ख्याल है। मेरी राय है कि आपको सिर्फ मशवरे की नहीं, नसीहत की भी सख्त जरूरत है। जो लोग दूसरों के मामले में इंटरफेयर करते हैं मुझे बुरे लगते हैं, समझी? अच्छा जरा मुझे ये बता, ये जो आपके अपने हैं, आप उनसे इतना खफा खफा क्यों रहते हैं? उन्हीं से पूछ लो। आप खफा खफा रहते हैं ना, उनसे क्यों पूछूंगी? इसलिए कि सारी मोहब्बतें दिखावा है, उन्हें मैं नहीं अपने मुफाद अजीज है, और ये उनके मुफाद में है कि मुझसे मोहब्बत जताए ताकि मेरे घर में रहे और मेरे पैसे पर अपने हाथ साफ करें। बस, ये और कुछ पूछना चाहती हो? जी पूछना चाह रही थी, खाना खाना है या नहीं। ऐसे लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, असली मोहब्बत की कदर ही नहीं है। बहुत पछताएंगे आप हारून साहब। ये मुनासिब नहीं। देखे अम्मा जी कितनी अच्छी तो है। नहीं तुम चुप रहो, इतना गहरा कलर मैं नहीं पहनती। नानी जान अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे तो हम बाजार जा सकते हैं, आप उधर से कुछ पसंद कर लें। आप नौरीन के ससुराल जा रही हैं, ये मामूली बात थोड़ी है। हारून बहुत गिना चुना अमाउंट देता है, उसमें से हमारे अखराजात निकालने के बाद अम्मा के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो अपनी मर्जी की आलीशान सी साड़ी खरीदे। अरे इतना कंजूस बंदा, इतना बड़ा घर, इतनी सारी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े, जूते, मोबाइल। मैं तो कहती हूँ कि आप उनके पास जाएं और अपना हक मांगे। हमारा हक ही तो नहीं मानता वो। तोबा तोबा, देखने में तो इतना शानदार एजुकेटेड बंदा और सोच में। परवीन तुम ये ग्रीन वाली साड़ी इस्तरी कर दो, और निम्रा बेटा तुम हारून से कोई बात नहीं करो, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। लेकिन निम्रा प्लीज, नानी जान जैसा कह रही हैं वैसे ही करो, जैसा चल रहा चलने दो। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं। अम्मा कौन कौन जाएगा उनकी तरफ? बेटा हम दोनों ही चलेंगे, इंशाल्लाह जब रिश्ता तय हो जाएगा तो सबको ले चलेंगे। जल्दी से लड़का पसंद कर लें और मंगनी की डेट भी सेट कर लें, बहुत दिल चाह रहा है किसी फंक्शन में जाऊं। अल्लाह ताला खैर से वो वक्त तो लेकर आए। वैसे निम्रा तुम्हारा इस घर में आना बड़ा मुबारक साबित हुआ है। अम्मा आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, कहा तो हारून मानता ही नहीं था, हर रिश्ते पे एतराज होता था, और कहा खुद से ही कह दिया
जहाँ बेहतर लगे वहाँ रिश्ता करते हैं। कुछ मंत्र याद किए रखे थे, उन्हीं में से एक आजमाया। अम्मा जी, आप अगर हमें बताकर आती तो हम कोई इंतजाम कर लेते। कैसा इंतजाम? अम्मी का मतलब ये है कि आप लोग आए हैं, आप लोगों के लिए हम लोग अच्छा सा खाना तैयार कर लेते। अब हम आपको खाना खाए बगैर जाने तो नहीं देंगे ना। खाने की बात तो रहने दो बेटा। मैं वैसे इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि इस वक्त तुम घर पे कैसे नजर आ रहे हो। ये वक्त तो मर्दों के लिए काम पे जाने का होता है। अम्मा जी, असल में काम ही बिजनेस करना चाह रहा है। हैदराबाद छोटा सा शहर है, यहाँ क्या बिजनेस करेगा, इसलिए ये कराची जा रहा है।